वेलकम टू संकल्प क्लासेस। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे व्यक्तिक विभिन्नताओं की, इंडिविजुअल डिफरेंस की। यहां से भी क्वेश्चन आता है। देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अनेक बातों में भिन्न होता है। यहाँ तक की बात है कि अगर जुड़वा बच्चे भी हैं तो उनमें भी अंतर पाया जाता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, मतलब उनमें भी अंतर पाया जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है नहीं? तो देखो, कहने का मेरा मतलब ये है कि उनमें चाहे बच्चा जुड़वा है या कैसा ही भी है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से उनमें अंतर जरूर पाया जाता है। तो व्यक्तिक विभेद किसे कहते हैं? प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अनेक बातों में भिन्न होता है, यहाँ तक कि चाहे वो जुड़वा बच्चे हों, ठीक है। उसके बाद में देखिए हिलगार्ड। हिलगार्ड एक मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने एक बात कही थी, व्यक्तियों में आपस में या किसी प्रजाति के सदस्यों में, कोई भी प्रजाति है, व्यक्तियों में आपस में या किसी प्रजाति के सदस्यों में संरचना एवं व्यवहार में पाई जाने वाली अपेक्षाकृत स्थायी असमानताएं ही व्यक्तिक विभिन्नताएं हैं। चाहे व्यक्ति है या किसी भी प्रजाति का सदस्य है, उनकी संरचना में और व्यवहार में जो स्थायी असमानताएं होती हैं वही व्यक्तिक विभिन्नताएं होती हैं। एक मनोवैज्ञानिक थे टॉयलर, इन्होंने बताया था शरीर के रंग, रूप, आकार, कार्य, गति, बुद्धि, ज्ञान, उपलब्धि, रुचि, अभिरुचि आदि लक्षणों में पाई जाने वाली भिन्नता को व्यक्तिक विभिन्नता कहते हैं। व्यक्तिक भिन्नता कहते हैं, मतलब शरीर के रंग में, रूप में, आकार में, कार्य में, गति में, बुद्धि में, ज्ञान में, उपलब्धि में, रुचि अभिरुचि आदि लक्षणों में जो भिन्नता पाई जाती है उसको व्यक्तिक जो है भिन्नता कहते हैं। आप समझ गए होंगे अच्छे से, मतलब कोई भी व्यक्ति है या किसी भी प्रजाति का सदस्य है, उनकी संरचना में, उनके व्यवहार में जो भी असमानताएं होती हैं वो व्यक्तिक विभिन्नता होती है। अब बात करते हैं हम व्यक्तिक विभेद के प्रकार की। ये जो प्रकार होते हैं, मतलब किस तरीके से होते हैं, क्या प्रकार हो सकते हैं दो व्यक्तियों के बीच या किसी प्रजाति के सदस्यों के बीच, ठीक है। तो पहला है शारीरिक, शारीरिक भेद। इसका मतलब क्या है? देखिएगा, प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से शरीर में, रंग रूप में और लंबाई में, भार में, मतलब कहने का मतलब यह कि रंग रूप कद में एक दूसरे से भिन्न होता है, तो शारीरिक भेद पाया जाता है। तो ये व्यक्तिक विभिन्नताओं का एक प्रकार होता है कि वो शारीरिक रूप से बिल्कुल अलग होता है दूसरे व्यक्ति से। दूसरा है संवेगात्मक। इसका मतलब क्या है? संवेगात्मक भेद का मतलब क्या है? देखिए, कोई व्यक्ति प्रसन्नचित होता है, कोई व्यक्ति खिन्नचित होता है, कोई निडर होता है, कोई डरपोक होता है, कोई ईर्ष्यालु होता है, कोई क्रोधी होता है। तो संवेगात्मक भेद भी जो है पाए जाते हैं अलग अलग व्यक्तियों में, अलग अलग प्रकार के जो मैंने अभी आपसे बताए। उसके बाद है परिवेश की बात करते हैं हम। परिवेश का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो शहरी क्षेत्र में व्यक्ति रहते हैं, शहरी क्षेत्र के व्यक्तियों का व्यवहार ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के व्यवहार से बिल्कुल अलग होता है, भिन्न होता है। परिवेश का मतलब यह है। लिंग, लिंग के आधार पर भी व्यक्ति का व्यवहार अलग होता है। आर्थिक स्थिति, जो व्यक्ति धनी होते हैं उनका व्यवहार निर्धन व्यक्तियों के व्यवहार से अलग होता है, आप जानते हैं अच्छे से। सांस्कृतिक, प्रत्येक व्यक्ति का जो विकास है एक परिवेश में
एक संस्कृति में होता है। तो सांस्कृतिक का मतलब क्या है, किसी मतलब कहीं पर महिलाओं का व्यवहार कठोर पाया जाता है, कहीं पर पुरुषों का व्यवहार कठोर पाया जाता है, कहीं पर महिलाएं अधिक सक्रिय रहती हैं, कहीं पर पुरुष अधिक सक्रिय रहते हैं। तो ये भी एक जो है विभेद का प्रकार होता है सांस्कृतिक। उसके बाद में है गत्यात्मक। गत्यात्मक का मतलब होता है ये जो शारीरिक अंतर होता है इसमें जो क्रियाएं होती हैं, आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति की जो है किसी व्यक्ति में गत्यात्मक क्षमता अधिक होती है, किसी में कम होती है। गत्यात्मक का मतलब कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, जो बच्चे ऐसे होते हैं कि जो खेल कूद में ज़्यादा उनमें अधिक क्षमता होती है, कुछ जो है खेल कूद में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो ये भी एक गत्यात्मक का भी एक कारण है। आगे है दोस्तों चारित्रिक। कुछ व्यक्ति नैतिक होते हैं, कुछ व्यक्ति अनैतिक होते हैं, ये चारित्रिक हो गया। ये भी एक भेद होता है। एक है स्मरण शक्ति। स्मरण शक्ति का क्या होता है, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं वो बहुत उनकी स्मरण शक्ति बहुत कमज़ोर होती है, जल्दी भूल जाते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं उनकी स्मरण शक्ति बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत दिनों में भूलते हैं, बहुत अच्छी होती है उनकी स्मरण शक्ति, मतलब याददाश्त जो है बहुत दिनों तक रखते हैं। एक रह गया इसमें पीछे अभिवृत्तियाँ। अब पहली बात तो ये कि अभिवृत्तियाँ होती क्या हैं, अभिवृत्ति का मतलब क्या होता है। अभिवृत्ति का मतलब ये होता है कि देखिए सबको व्यक्ति जो होता है किसी वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में जो प्रतिक्रिया कर रहा है वो उसकी अभिवृत्ति है। आपने देखा होगा सभी व्यक्तियों का नज़रिया देखने का अलग अलग होता है। आप ताजमहल को देखोगे हर एक व्यक्ति अलग प्रतिक्रिया करेगा उसके प्रति, या आप मतलब कोई भी वस्तु देखेगा, कोई भी मतलब चीज़ देखेगा, कोई भी व्यक्ति के प्रति, किसी स्थान के प्रति, किसी वस्तु के प्रति जो वो प्रतिक्रिया करता है उसको हम अभिवृत्ति कहते हैं। क्या दुनिया के सारे व्यक्ति मतलब किसी वस्तु या स्थान के प्रति एक जैसी प्रतिक्रिया थोड़ी करेंगे, सब अलग अलग करते हैं। तो इसको अभिवृत्ति कहते हैं कि अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं और वो बताते हैं। तो ये अभिवृत्ति भी एक विभेद होता है व्यक्तिक विभिन्नताओं में। उसके बाद है दोस्तों अभियोग्यता। अभियोग्यता का क्या मतलब होता है, आपने देखा होगा किसी में क्लैरिकल की अभियोग्यता है, किसी में यांत्रिक अभियोग्यता है, किसी में आंकिक अभियोग्यता है, किसी में साहित्य की अभियोग्यता है। आपने देखा होगा सभी व्यक्तियों का की अभियोग्यता अलग अलग होती है। कोई साहित्य में रुचि लेता है, कोई गणित में रुचि लेता है, कोई जो है मतलब कि यांत्रिक कार्यों में रुचि लेता है, कोई क्लर्क के काम में रुचि लेता है। ये क्या है, ये अभियोग्यताएँ होती है। तो सभी में अलग अलग होती हैं। रुचियाँ, रुचियाँ सभी व्यक्तियों में अलग अलग पाई जाती हैं। वैसे मैं आपको बताऊँ रुचियाँ जो हैं 15 साल तक परिवर्तित होती रहती हैं, उसके बाद उनमें स्थायित्व आ जाता है। ये मैंने नहीं कहा, ये स्ट्रोंग ने कहा था, उन्होंने एक शोध किया था, एक अध्ययन किया था, उन्होंने बताया था कि 15 वर्ष तक रुचियाँ जो है परिवर्तित होती रहती हैं, उसके बाद उनमें स्थायित्व आ जाता है। उसके बाद है दोस्तों मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति प्रतिभाशाली होता है, कोई अति सामान्य होता है, कोई औसत बुद्धि वाला होता है, कोई जो है कम बुद्धि वाला होता है। तो सभी में अलग अलग मानसिक योग्यताएँ होती हैं। उसके बाद है दोस्तों व्यक्तित्व। व्यक्तित्व के कारण भी व्यक्तिक विभेद होता है। देखा होगा आपने कुछ व्यक्ति तो अंतर्मुखी होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ व्यक्ति बहिर्मुखी होते हैं, होते हैं नहीं, कुछ समाज के कार्यों में बहुत ज़्यादा रुचि लेते हैं, किसी का समाज से कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये मैंने अभी आपसे चर्चा की व्यक्तिक विभेद के प्रकार की। तो ये शारीरिक, संवेगात्मक, परिवेश, लिंग, आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक, गत्यात्मक, अभिवृत्तियाँ, चारित्रिक, स्मरण शक्ति, अभियोग्यता, रुचियाँ, मानसिक योग्यता और व्यक्तित्व, ये एक विभेद के प्रकार थे जो कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। ठीक है, तो ये दोस्तों व्यक्तिक विभेद है और आप इसको एक बार देख लें। मैं समझता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर दें ताकि मैं भी कुछ अच्छा आपके लिए और लेके आ सकूं, और घंटी को ज़रूर दबाएं।
ताकि आपको मेरा वीडियो सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।